मछुआरा आवाज दिलाने के नाम पर हजारों रुपए की ठगी किए जाने के आरोप में मधुपुर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामला थाना क्षेत्र के पटवाबाद गांव से जुड़ा है। बताया जाता है कि मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के सुगी पहाड़ी का रहने वाला मिराजुल शेख उर्फ गुड्डू द्वारा ग्रामीणों से मछुआरा आवास दिलाने के नाम पर करीब 1,00,000 रुपए तक की ठगी कर लिया। आवास नहीं मिलने के बाद ग्रामीणों ने पैसे की मांग करने लगा। पैसे वापस नहीं लौटाए जाने पर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मधुपुर थाने से की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को धर दबोचा गया। इधर पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक ने बताया कि शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। वो आया, वो बोला कि हम लोग मछुआरा का आवास के लिए दे रहे पैसे। अच्छा। तो हम लोग से लिया वो 25-25 सौ रुपये। 25-25 सौ रुपये लेकर के गया। फिर वो दोबारा आया कि बोला 1,000 रुपया और दो तब खाता खुलेगा। अच्छा। तो हम लोग फिर दिए 1,000 रुपये। अब वो दोबारा फिर फोन किया 3-4 महीने के बाद, तो कहता रांची में आप लोग को कुछ पैसे दिलाएंगे। अच्छा। कितना देने के बाद कहा था वो? 1,20,000। कौन, क्या नाम है उसका? गुड्डू। कहाँ का रहने वाला है? लालगढ़। अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग कल लगभग है 30-40 आदमी। आप लोग का कहाँ का वास है? घर है पटवाबाद। थाना में थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ दे दिए, परसों दिए आवेदन। आवेदन दिया गया है कि मछुआ आवास के नाम पर इन लोगों को बोला गया कि जिसे एजेंट लोग बैंक में फोन करते हैं कि मछुआ आवास आप लोगों को मिलेगा। और इसी तो मछुआ आवास के बारे में मुझे पूरी तरह जानकारी भी नहीं है कि क्या सिस्टम है और किसे अकाउंट खोलता है और कितना पैसा मिलता है। तो आवेदन दिया गया है, उस आवेदन के आधार पर कार्रवाई अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। दोनों पार्टी अगर आ जाएंगे आपस में सुलहनामा कर लेंगे, उनके अकाउंट में जो उनका पैसा चला जाएगा तब तो कुछ नहीं है, और नहीं अगर वो भरे रहेंगे तो कार्रवाई जो उचित कार्रवाई है या उचित कार्रवाई है वो तो कार्रवाई हम लोग करेंगे।